सुजानगढ़ सूचना में आपका स्वागत है। सुजानगढ़ की सासी बस्ती के लोगों ने मतदान का बहिष्कार कर देने का निर्णय लिया है। वहीं मतदान का बहिष्कार करने के लिए सभी लोग सासी बस्ती के चौक में एकत्रित हो गए और नेताओं के खिलाफ बोलते हुए नारे लगाने लगे। विकास कराओ वोट लो का नारा बुलंद करते हुए बस्ती वासियों ने कहा कि नेता यहाँ पर केवल चुनाव की घोषणा होने के बाद चक्कर लगाने लगते हैं, बाकी के 5 सालों तक उनको हमारी याद नहीं आती, जिसके चलते इस बार मतदान का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया है। वहीं इस दौरान सीताराम सासी, बोधुराम सासी, बंसी राम, ज्ञानचंद, रामचंद, मंगलाराम, मदनलाल, रामस्वरूप, काड़ूराम, फूलचंद, बंसी राम, धर्मचंद सहित अनेक लोग मौजूद रहे। दूसरी ओर सुमित्रा देवी, भंवरी, शांति देवी, पूजा, डाली देवी, गीता, सीता, चुकी, लिचमा, रुकमा, शांति देवी, बिदामी सहित अनेक महिलाएं भी इस दौरान मौजूद रही। बस्ती की महिलाओं ने बताया कि न तो यहाँ पर बिजली की हर गली में व्यवस्था है और न ही सड़क की, सीवरेज तो मानो यहाँ पर सपना बनी हुई है। ऐसे में इस प्रकार से जनता को लुभाने वाले नेताओं और 5 साल तक भूल जाने वाले नेताओं के बहिष्कार का हम लोगों ने निर्णय लिया है। दूसरी ओर मतदान बहिष्कार के निर्णय के दौरान ही लोगों ने सामूहिक रूप से पोष पड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया और गर्मा गर्म पकौड़ी का आनंद भी लोगों ने लिया और अपने निर्णय पर कायम रहे। आप भी देखिए किन किन के कारणों के चलते सासी बस्ती के लोगों ने बहिष्कार का निर्णय लिया है और बने रहिए ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए सुजानगढ़ सूचना के साथ। ये सासी बस्ती का मायना 250 वोट है, 250 वोटों के प्रति वे मान लो मां के कोई बस्ती का मायने काम नहीं हुआ है, हर बस्ती के मायने काम हो रही है, सासी बस्ती में कोई काम नहीं हुआ है, न नाली का हुआ है, न सड़क का हुआ है, न कोई सीवर लाइन का हुआ है, न कोई हमारे चिन्हित के जो भी रुके थे वो भी निकाले गए हुए हैं, वे भी काटे गए हुए हैं। फिर बाद के मायने आज हमारे 15 दिन बाद के मायने बहिष्कार कर देना वोटे का, उसके वजह से आज एन टाइम के ऊपर हमारे को कांकरे रोड के ऊपर बिछा कर हमारे को वोट लेने का एक मान लो चक्कर दिखाया कि तुम्हारा काम करेंगे, हमारे को वोट दो, हम जब तक हमारा काम नहीं होएगा जब तक हम वोट नहीं देंगे। क्यों? अगर वोट लेने वाला टाइम तो सब आशीर्वाद दे जाते, फिर कोई हमारे को हार देखते नहीं, तो इस वजह से हम वोट नहीं देंगे, इस वजह से हम बहिष्कार कर रहे हैं। एक तो सड़क नहीं हो रही है, नाली नहीं हो रही है, यहाँ पर बिजली नहीं है, लाइट नहीं है, बस लाइन नहीं है, हमारे को ऐसे बोलते हैं आपकी बस्ती नक्शे में नहीं है, नक्शे में नहीं है, तो हमारी बस्ती का मान आके हमारे से क्यों प्रेम आसान करते हैं, ऐसे वोट चुनाव पर तो आ जाते रहे, ऐसे हमारे को 5 साल का मान कुछ ही हमारा काम नहीं होता यहाँ, कुछ मेलों का भी काम नहीं है, बच्चे भी पढ़े लिखे ऐसे ही घूम रहे, कुछ ही काम नहीं मिल रहा यहाँ पर, न राशन कार्ड हमारे जुड़े हुए हैं, न बीपील कार्ड है, कुछ नहीं है, हम तो बूट पॉलिश करते हैं पेट भरते यहाँ पर, क्या परेशानी 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 है कुछ, हमको तो 3-4 साल 30-35 साल हो गए यहाँ पर देखते देखते, कुछ ही परेशानी ही नहीं हमारी तो विकास हुई, हम तो अब वोट नहीं देंगे तो नहीं दे, हमारा विकास कर देंगे हम वोट चालू कर देंगे। चुनाव के टाइम में 5-7 दिन और रहते हैं, चुनाव के टाइम आते हैं हमारा वोट दो, हमारे को वोट दो, हमारा आपका विकास करेंगे विकास करेंगे, अब यहाँ पर तो कुछ विकास नहीं करेंगे, अब तो हमारी बस्ती ने एका कर लिया कि हम तो किसी को वोट नहीं देंगे, हमारे कोई भी विकास नहीं है और विकास नहीं है तो वोट भी नहीं है। जैसे मूल मांगे है कुछ नालियाँ हैं, सीवर लाइन है, जैसे भवन का है और जैसे हम शमशान भूमि का है, कोई भी ऐसा विकास नहीं किया यानी पार्षद उन्होंने, तो इसलिए हमने ये सारा विकास कर दिया, ये बहिष्कार कर दिया हमने। गलत है, किसी ने पैसे नहीं लेते हुए सासी समाज मैं देख रहा हूँ काफ़ी वर्षों से, ये जो बहिष्कार हुआ ना इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ, मैं आज इस बस्ती में पहली बार आया हूँ, इस बस्ती के वास्ते में हालात देने हैं और प्रशासन से मांग करता हूँ इस बस्ती की सूद ले, पीछे जो भी जनप्रतिनिधि था 5 साल में इनके यहाँ कुछ भी काम नहीं हुआ है, ये एकदम ही वाकई में सही बात है, इनकी जो भी मांग है एकदम वाजिब मांग है, कोई गलत मांग नहीं है। वैसे मैं बहिष्कार का तो समर्थन नहीं करता हूँ क्योंकि मत अधिकार देने का सबका अधिकार है, देना चाहिए मत, लेकिन इतना बड़ा कठोर निर्णय लिया है तो इसका मतलब इन लोगों के साथ अत्याचार तो हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं प्रशासन से फिर मांग करता हूँ इनकी सूद ले जल्द से जल्द।